मेरा सवाल अमिताभ सर से है कि सर आप अगर मान लीजिए केजरीवाल को दिल्ली में गिरफ्तार कर लेते हैं, जेल में डाल देते हैं और चुनाव आ जाता है, इस बीच वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो फिर दिल्ली की जो 7 सीटें हैं इन सीटों के ऊपर आप क्या देख रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी निकाल ले जाएगी सीट, क्योंकि अभी तो डरी हुई दिखाई दे रही है, अभी इन सीटों पर प्रत्याशी भी बदले, कुछ प्रत्याशी ये कहकर चले गए संन्यास ले रहा हूं, कुछ ने कहा अब लड़ूंगा नहीं, तो इन सीटों पर क्या होता हुआ दिखाई देगा? केजरीवाल जेल में रहेंगे तो बीजेपी ज्यादा आसानी से जीत लेगी, या केजरीवाल जेल से बाहर रहेंगे तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी? केजरीवाल के भीतर रहने से भी क्या आम आदमी पार्टी को फायदा होगा? देखिए, जहां तक दिल्ली का सवाल है, मुझे लगता है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल की, इससे माहौल जो है उसमें एक अलग तरह का चार्ज जिसको हम बोलते हैं ना, वो आ गया है, एक माहौल बहुत गर्मा गया है। कम से कम दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और विधानसभा से लेकर एमसीडी तक सब जगह उनके लोग हैं, उनके विधायक हैं, उनके पास एक काडर है, एक अच्छा खासा एक सपोर्ट बेस है उनका, और कांग्रेस भी इस बार उनके साथ अलायंस में है, और कल कांग्रेस ने जिस तरीके से सॉलिडरिटी दिखाई है वो अपने आप में बहुत काबिले तारीफ, बहुत मैच्योर रिएक्शन है। खासतौर से मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा, संदीप दीक्षित का अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि संदीप दीक्षित की माता जी शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से आंदोलन किया था 2000 को हरा करके, 15 साल की जमी जमाई सरकार को अरविंद केजरीवाल ने अपने आंदोलन से बेदखल कर दिया था, सत्ता से बाहर कर दिया था, और उस समय शीला दीक्षित समेत तमाम कांग्रेसियों के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए गए थे, तमाम सारी बातें कही गई थी, उस सबको भूल करके संदीप दीक्षित अगर सिर्फ इस वजह से कि कांग्रेस ने फैसला लिया है कि हाँ हम अलायंस में हैं और हमको एक समय पर लोकतंत्र को बचाने के लिए, अरविंद केजरीवाल व्यक्ति के लिए नहीं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम इस समय साथ खड़े हैं, तो अरविंद तो हमें उस समय उस साथ खड़ा होना, तो जो संदीप दीक्षित ने कल बयान दिया वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और वो एक मैच्योर पॉलिटिक्स को दिखाता है, मैच्योर अलायंस को दिखाता है, मैच्योर थिंकिंग को दिखाता है, एक मैच्योर सिटीजनरी को दिखाता है, मैच्योर नागरिक जो होता है उसकी बात को दिखाता है। तो दिल्ली में मुझे लगता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अगर साथ घूमते हैं, जैसे कि कल रात में देखा हमने कि अरविंदर सिंह लवली, संदीप दीक्षित, सुभाष चोपड़ा, तमाम सारे लोग साथ आए और उन्होंने बयान दिए, आज भी हमने देखा कि अरविंदर सिंह लवली वगैरह के बयान आ रहे हैं और तमाम राहुल गांधी का स्टेटमेंट आ रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, तमाम सारे नेताओं के बयान आ रहे हैं। तो दिल्ली में अगर दोनों पार्टियों का काडर साथ में घूमता है, साथ में प्रचार में साथ रहता है, नेता साथ रहते हैं, तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल आने वाली है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ प्रत्याशी बदले गए, उनके बदलने के कारण यही था कि उनके बारे में नेगेटिव रिपोर्ट थी, चाहे वो मीनाक्षी लेखी हो, चाहे हर्षवर्धन हो, हर्षवर्धन को उन्होंने हटा दिया अपने एक तरीके से, हर्षवर्धन को संन्यास की घोषणा कर दी। केजरीवाल के भीतर रहने से लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि राजनीतिक विश्लेषकों से आप ये पूछिए कि केजरीवाल के भीतर रहने से आम आदमी पार्टी का फायदा है, कि केजरीवाल के बाहर रहने से आम आदमी पार्टी का फायदा है, कि केजरीवाल के भीतर रहने से बीजेपी का फायदा है, या केजरीवाल के बाहर रहने से बीजेपी का फायदा है? देखिए, केजरीवाल इस समय बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गए हैं, असल बात ये, वो अब हकीकत ये है कि वो अंदर रहे या बाहर रहे, देखिए बाहर आएंगे अगर वो जैसा कि अभी वहां कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसका क्या फैसला होता है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये कि जिस तरह की दलीलें दी जा रही सब कुछ हो रहा है, अगर उनको रिमांड मिल जाती है और वो जेल, अगर ईडी को रिमांड मिल जाती है और वो जेल में रहते हैं फिलहाल, तो वो जो चीजें हैं वो फिर मामला सुनवाई लंबी खींचेगी और हो सकता है कि चुनाव के दौरान जो है जाहिर बात है प्रचार के पूरे अभियान से वो बाहर हो जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर ये जो चीज है आज जैसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में जगह जगह प्रदर्शन किए हैं, अगर वो चीज इंटेंसिफाई कर जाती है और उसके बहाने पूरा विपक्ष एक साथ आ जाता है, यानी विपक्ष को एकजुट होने का एक बहुत अच्छा मौका मिल गया, इसके बहाने एक बहुत अच्छा ट्रिगर है। आप देखें कि कल से ममता बनर्जी से लेकर के विजयन तक केरल के मुख्यमंत्री, उनका बयान आ रहा है, ममता बनर्जी का बयान आ रहा है, लालू यादव का बयान आ रहा है, तेजस्वी का बयान आ रहा है, अखिलेश का बयान आ रहा है, तमाम सारे लोगों का बयान आ रहा है, तो विपक्ष का जो एक अलायंस था उसको कहीं ना कहीं इससे ताकत मिली है, उसको नरेंद्र मोदी मतलब जो बीजेपी है उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक नया मुद्दा मिल गया है बहुत अच्छा, तो उसका कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलेगा। केजरीवाल अगर जेल में रहते हैं तो हो सकता है उनकी पार्टी को सरकार चलाने में दिक्कत है, लेकिन जहां तक प्रचार का सवाल है ये जरूर है कि वो अपनी पार्टी के प्राइम मतलब सबसे बड़े कैंपेनर हैं, उनकी मौजूदगी का कुछ अलग असर होता है, लेकिन उसके बावजूद वो अगर बाहर रहते अंदर भी रहते तो भी
जैसा मैंने कहा, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर के प्रचार करते हैं, अच्छी तरह से ग्राउंड पर अपनी प्रेजेंस बनाते हैं, तो कम से कम दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, इन जगहों पर जो है वो एक बहुत अच्छी टक्कर दे, गुजरात जिस जगह में भी जहाँ की आम आदमी पार्टी ने अभी हाल के चुनावों में अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई है, तो वहां पर वो अपना एक इम्पैक्ट दिखा सकते हैं और उससे बीजेपी को मुश्किल आ सकती है कुल मिलाकर के, मुझे ऐसा लगता है। शैलेश सर, मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी पहले से मुख्यमंत्री होंगे जो जेल से सरकार चलाएंगे, और जेल से सरकार चलाएंगे तो इसके संदेश क्या जाएंगे और इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, ये बात अमिताभ सर ने कहा है, आप क्या मानते हैं? प्रज्ञा जी इससे पहले शैलेश सर इसी बात पे कुछ कहना चाह रहे थे, वो ले लेते हैं। एक सवाल मेरा भी है अमिताभ सर से के जवाब से जुड़ा हुआ, कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में और गुजरात में, इन चार राज्यों में गठबंधन कर रखा है और इंडिया गठबंधन के तहत उतरे हैं, उसके बाद ही ये बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के। पंजाब में नहीं है गठबंधन, पंजाब में गठबंधन नहीं है, पंजाब में गठबंधन नहीं है, पंजाब में पंजाब में नहीं है। तो ये अरविंद केजरीवाल के अंदर बाहर रहने से इसको विश्लेषित कीजिएगा सर। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि केजरीवाल अंदर रहेंगे तो भावनात्मक लहर बहुत तगड़ी उठेगी और उससे जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है उस भावनात्मक लहर में बह जाएगी। बहुत सारे लोगों का ये कहना है केजरीवाल अंदर रहेंगे तो फिर प्रचार कैसे करेंगे, तो फिर बाहर रहते तो रैली कर लेते और भारतीय जनता पार्टी, जब केजरीवाल सामने होंगे नहीं तो उनकी पार्टी को तोड़कर जो है वो चुनाव जीत जाएगी। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? धन्यवाद, ये बहुत अच्छी बात की। मैं आपको एक उदाहरण से इस बात को समझाना चाहता हूँ। बात 1977 की है, जब इमरजेंसी के बाद में चुनाव चल रहा था, जॉर्ज फर्नांडिस को जेल में बंद रखा गया था, इमरजेंसी खत्म होने के बाद भी जॉर्ज को, बड़ौदा डायनामाइट कांड में उनका नाम था इसलिए उनको जेल से छोड़ा नहीं गया था, बिहार के मुजफ्फरपुर से वो चुनाव लड़ रहे थे, लोगों ने ट्रक पर या कुछ थोड़े से जो पोस्टर लगाए गए उनको सलाखों के बीच पीछे दिखाया गया, जेल से निकल करके उनको प्रचार की भी छूट नहीं दी गई थी, और ऐतिहासिक जीत हुई जॉर्ज फर्नांडिस की। मोदी जी को शायद याद नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि मोदी जी ने अपने बारे में कहा है कि युवा दिनों में ही वो थोड़ा बहुत आरएसएस के साथ काम करने के बाद हिमालय में तपस्या करने गए थे। मुझे ध्यान में नहीं है कि उस वक्त वो हिमालय में तपस्या कर रहे थे या थे मैदान में कांग्रेस से लड़ने के लिए, हो सकता है तपस्या कर रहे हो, वो भी बड़ी चीज है। लेकिन क्या हुआ था, जनता पार्टी के पास प्रचार के लिए कोई साधन नहीं था और लोगों तक बात घर घर पहुंच गई थी। तो इसलिए केजरीवाल अगर जेल में रहते हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए बीजेपी को कि लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, ये बात तो घर घर पहुंच गई, प्रचार तो हो गया, अब प्रचार की जरूरत दिल्ली में तो नहीं है, या जहां आम आदमी पार्टी के लोग खड़े हो रहे हैं वहां प्रचार की जरूरत ही नहीं है, ये प्रचार जो थोड़ा बहुत प्रदर्शन करेंगे उसी से हो जाएगा, और उनके उसको इस गिरफ्तारी को अगर लोग गलत समझेंगे तो निश्चित तौर पर जो है वो खामियाजा जो है बीजेपी को उठाना पड़ेगा। रही बात जेल से सरकार चलाने की, मुझे नहीं लगता कि ये भी होने देंगे, उपराज्यपाल के पास अधिकार है, वो सिफारिश करेंगे और केंद्रीय सरकार उनको गिरा देगी, हटा देगी, फिर 6 महीने शायद सरकार भी नहीं बनने दे। तो अभी तो ये बहुत सारे खेल होंगे, आप देखते रहिए, अब ये सब कुछ डिपेंड करता है। इसको डिस्क्राइब कीजिएगा, ये भी आपने जो सर ये जवाब दिया है इस पर भी बहुत सारे लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं हर जगह पर, कि क्या कुछ लोग, एक वर्ग कहता है कि दिल्ली से जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती, सजा, एक लंबा आर्टिकल भी आज छपा एक वेबसाइट के ऊपर, वो भी ये कहता है कि अंदर से नहीं चल सकता है, आम आदमी पार्टी कहती है कि भीतर से सरकार चलाएंगे कि मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो इसमें क्या हो सकता है, आप सर इसको स्पष्ट कीजिएगा, इसकी व्याख्या करिएगा सर। देखिए, कानून में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि कोई मुख्यमंत्री रहते हुए जेल चला जाएगा। अब तक जो लोग जेल गए, हेमंत सोरेन भी जब जेल गए तो जेल उनकी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने जो इस्तीफा दे दिया था, अरविंद अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूं। तो ये संवैधानिक तौर पर, चूंकि इसकी व्याख्या जो है वो सीधे तौर पर की नहीं जा सकती कि वो सरकार जेल में रहकर चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं, सरकार जेल में रहकर
चलाने का मतलब हुआ कि वो जेल में रहेंगे, लेकिन अधिकारी फाइल लेके उनके पास जाएंगे, मंत्री उनके उनसे मिलने जाएंगे, उनके साथ बैठक करेंगे, फिर जेल का मतलब तिहाड़ जेल ही नहीं होता है, हो सकता है कि उनकी जहां वो रहते हैं उनका जो आवास है उसी को जेल घोषित कर दिया जाए और वहां से सरकार चलाएं वो। तो ये बहुत सारे विकल्प सामने हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन सारे विकल्पों पे वो कुछ कर पाएंगे। दो तीन दिनों में बीजेपी की जो असल में मनसा है वो सामने आ जाएगी, और बहुत मुश्किल नहीं है सरकार को गिरा देना, और सरकार जब गिर जाएगी उसके बाद लोकसभा का चुनाव निबट जाएगा, फिर कोर्ट जो भी नहीं सरकार कैसे गिरेगी। सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार है और सरकार जो उस पे सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है आदेश, लेकिन वो बैन नहीं है अभी भी। पहले जैसे राज्यों में सरकारों को कभी भी राज्यपाल की सिफारिश पर भंग कर दिया जाता था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि आप इसी तरह से भंग नहीं कर सकते। लेकिन ये जो स्थितियां हैं उस पर ऐसा नहीं है कि वो कानून रद्द हो चुका है, वो कानून अपनी जगह है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में ये जो परंपरा थी वो खत्म हो गई कि सरकार को गिरा दो, वरना तो अभी कई सरकारों को बीजेपी गिरा चुकी होती, लेकिन कानून अभी भी मौजूद है और उसमें राष्ट्रपति जो है सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। फिर नई सरकार के लिए आप करते रहिए, जब तक आप करेंगे हो सकता है विधायकों को बांट दें, हो सकता है कि दो चार महीने लग जाए कोर्ट से, लेकिन अगर उनको जमानत देती है अदालत या नहीं इस पे बहुत कुछ निर्भर होगा, और अगर उनको जमानत अदालत से नहीं मिलती है तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी उनकी सरकार जेल से चलने देगी। नहीं तो अच्छा, केजरीवाल ने प्रज्ञा जी एक सेकंड, केजरीवाल ने सर जेल जाने से पहले तो अपने लोगों के साथ ये योजना बनाई तो होगी कि हम जेल चले जाएं, उनको भी मालूम होगा ईडी ने एक बार पकड़ लिया तो 6 महीने नहीं छोड़ती है, तो केजरीवाल ने जेल जाने से पहले गिरफ्तारी होने से पहले योजना तो बनाई होगी। तो फिर ये आम आदमी पार्टी, बहुत बड़े बड़े जानकार हैं इनके पास, तो फिर आम आदमी पार्टी ने ये क्यों तय किया कि मुख्यमंत्री रहेंगे केजरीवाल। ये भी प्रोटेस्ट का एक तरीका है, आप मुझे मेरे साथ अन्याय कर रहे हो तो मैं कह रहा हूं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन कोई योजना इस तरह की बन नहीं सकती। मैंने कहा ना कि अगर केंद्र की सरकार चाहे अदालत चाहे, अदालत कह सकती है कि ठीक है ये एक खास मकान में रहेंगे, चाहे वो अपना अभी का घर है वो या कहीं और, आम लोगों से नहीं मिलेंगे, लेकिन इनके अधिकारी मिल सकते हैं, इनके मंत्री मिल सकते हैं, और सरकार चलती रहेगी जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता है। लेकिन दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि कोर्ट ये सब नहीं माने, उनको जमानत ही दे दे, तो वो स्थिति आ सकती है। तीसरी स्थिति जो है वो ये हो सकती है कि वो जेल जाए और तब उसके बाद राष्ट्रपति जो है विशेष प्रावधानों का इस्तेमाल करके और उनकी सरकार को बर्खास्त कर दे, और बर्खास्त करने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। अब एक बार राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो उसके बाद अदालत में जाओगे तो 2-4 महीने 6 महीने अरे कुछ नहीं तो मई जून तो निकल जाएगा, लोकसभा का चुनाव तो निकल जाएगा, उसके बाद जो होना है हो। मोदी जी अच्छा, की अभी मोदी जी और बीजेपी की अभी जो तात्कालिक जरूरत है वो ये कि वो किसी भी तरह से लोकसभा जीत करके आ जाए, और जब 400 सीटों का सपना उनका साकार हो जाए। दो तीन महीने ही केजरीवाल को जेल में रहना पड़ेगा क्या सर? ये जवाब जो है ये जवाब अभी नहीं आया आपकी तरफ से कि जेल में रहकर ज्यादा बड़ा खेल कर पाएंगे कि जेल से बाहर रहकर ज्यादा बड़ा खेल कर पाएंगे। इसी के जवाब में मैंने कहा ना कि जॉर्ज फर्नांडिस जेल में रहकर जीते, लेकिन उसी तरह से जो मैसेज है वो जा चुका है, वो जेल में रखे या बाहर रखे, जेल में रखेंगे तो मुझे लगता है कि अरविंद से सहानुभूति ज्यादा होगी, और जो उनके समर्थक हैं वो भले ही बोले नहीं, हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन नहीं हो, लेकिन वो लोग समय आने पर वोट देंगे। 77 में भी लोग बोलते नहीं थे, चुप हो गए थे, खामोश हो गए थे, लगता ही नहीं था कि कोई आदमी कांग्रेस को छोड़ के किसी और को वोट देने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस जो है बिहार में साफ, उत्तर प्रदेश में साफ, मध्य प्रदेश में साफ, हिंदी बेल्ट से पूरी तरह से साफ, बचे कहां दक्षिण कांग्रेस की बात कर रहा हूं। तो ये जो राजनीति में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं, और मुझे लगता है कि जेल में रहने से केजरीवाल को ज्यादा राजनीतिक फायदा मिलेगा।
अच्छा अमिताभ सर, प्रज्ञा जी एक एक बड़ा अपडेट आ रहा है, एक बड़ा अपडेट आ रहा है वो दे दूं, फिर सर के पास चलेंगे। एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है प्रज्ञा जी, इसका विरोध किया गया है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का, और ये कहा गया है कोर्ट के भीतर कि ईडी के पास अगर सब कुछ था, अगर सब कुछ है ईडी के पास, तो फिर हिरासत की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये जो पूछताछ के लिए आप हिरासत, न्यायिक हिरासत मांग रहे हैं, आपको हिरासत की क्या जरूरत है? आप, आपके पास जब सारे सबूत मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, तब तो फिर आप अदालत को दिखा दीजिए। सिंधवी ने जो है वो गिरफ्तारी का विरोध किया है। और एक चीज और है प्रज्ञा जी, अदालत के भीतर ये बताया गया है कि के कविता ने 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए। कहा गया कि आपके नेताओं को जो रिश्वत है वो रिश्वत के कविता ने दी, कविता ने 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए और रिश्वत के पैसे कैश में दिए गए, ये भी कोर्ट के भीतर प्रज्ञा जी बताया गया है ईडी के द्वारा। ईडी ने कहा है कि केजरीवाल को सिर्फ उनकी करनी के लिए ही नहीं बल्कि उनके सहयोगियों ने जो किया उसके लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। और कोर्ट के भीतर अभी जो है वो बहस चल रही है और ईडी की तरफ से बताया गया है कि कैसा कैसा है, और अरविंद केजरीवाल को मेन मास्टरमाइंड बताने की कोशिश की गई है, और उसके बाद सिंधवी पक्ष रख रहे हैं। और सिंधवी ने यह भी कोर्ट के भीतर कहा है कि इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी सिटिंग सीएम को जेल में डाला जा रहा हो, और चुनाव के समय नेताओं की गिरफ्तारी का भी जिक्र उन्होंने किया, और वो इस हिरासत का, जो हिरासत लेने की बात कह रही है न्यायिक हिरासत ईडी, उसका विरोध कर रहे हैं। और ईडी ये कह रही है क्योंकि केजरीवाल ने पॉलिसी बनाई थी तो मास्टरमाइंड केजरीवाल ही हैं और केजरीवाल ही मेन सरगना है। ईडी कोर्ट के भीतर जज साहब के सामने ये बातें बता रही है, और अभी तक न्यायिक हिरासत कोर्ट की तरफ से नहीं दी गई है, जिरह भीतर चल रही है। जी प्रज्ञा जी। अमिताभ सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि पहले तो रात तक ये खबरें आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लेकर के केजरीवाल पहुंचेंगे, और ये भी बात चल रही थी कि उनकी जमानत की अर्जी पर रात में ही चर्चा हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट रात को ही कोई आदेश दे सकता है। फिर ये हुआ कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली, तो इसके पीछे क्या कारण है और इसके मायने क्या है? देखिए, याचिका वापस लेने का कारण तो बिल्कुल स्पष्ट था। आप अगर देखें तो आज के कविता जो कि इस मामले में गिरफ्तार हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट गई थी जमानत के मामले में, और उनको कोर्ट ने यही कहा कि आप सिर्फ इसलिए कि आप एक पॉलिटिशियन हैं और आपको एक्सेस है सुप्रीम कोर्ट आ जाने का, इसलिए आप हर बार सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, ये कोई बात नहीं, आपको जो प्रॉपर रूट है आप उस प्रॉपर रूट के जरिए आइए, यानी आप पहले निचली अदालतों से होते हुए आइए, आपको अगर वहां रिलीफ ना मिले तब सुप्रीम कोर्ट में आइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे आखिरी मंजिल है जहां आपको अगर इंसाफ देना है, आप सबसे पहले उस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास प्रभावशाली है, आप पॉलिटिशियन है, आपके पास पैसा है या आपके पास उस तरह की एक्सेस है न्याय की, तो आप सीधे यहाँ खटखटा देते हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी मंजूर नहीं की, तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल को भी इस तरह की चीजों का अंदेशा रहा होगा, और क्योंकि आज 2:30 बजे ही उनकी पेशी थी पीएमएलए कोर्ट में, राउत एवेन्यू में, जो सारी बातें हो रही हैं, तो वहां पर जाहिर बात है अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते तो वहां उनसे भी ये कहा जा सकता था कि भाई आपकी आज 2:30 बजे पेशी है, आप पहले वहां जाइए, और वहां से अगर आपको लगता है रिलीफ ना मिले तो फिर आप आइएगा हमारे पास, और अगर मान लीजिए वो चले जाते सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनकी बेल रिजेक्ट कर देता, मतलब एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं सुनता, तो उसको लेके मीडिया में जिस तरह का माहौल बनाया जाता है उससे ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी तो हार गए सुप्रीम कोर्ट में, बीजेपी और मीडिया मिलकर के जिस तरह का माहौल बनाते जो उससे पूरी ध्वनि जाती, तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए केजरीवाल जी, तो वो अपने आप में एक समझदारी का काम है। और अभी जो भरत जी जो अपडेट दे रहे थे उसमें देखिए कई चीजें हैं जो आज भी अभी जो चल रही है बातचीत, उसमें ये कहा जा रहा है अभिषेक मनु सिंघवी जो कि केजरीवाल की तरफ से अपियर हो रहा है, उन्होंने ये कहा है कि भाई हमको ये सेटिस्फाई किया जाए कि अरेस्ट करने की जरूरत क्या है इसमें, क्या वो उनके पास ऐसी क्या चीजें जो है आप जिसके लिए आप उनको अरेस्ट कर रहे हैं, आपको अगर उनसे कोई चीज पूछनी है तो क्या ऐसा नहीं है कि आप बिना अरेस्ट के उनसे पूछ सकें? जो बात अभी शैलेश जी कह रहे थे कि भाई क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि आप उनके घर में कन्फाइन करें और वहां से वो सरकार भी चलाए और आपको जो पूछताछ करनी है आप करते रहें, तो अभिषेक मनु सिंघवी भी कह रहे हैं कि आप पीएमएलए जो एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है
आप उसके प्रोविजन के तहत गिरफ्तारी को सेटिस्फाई कीजिए, आप कोर्ट को, आप ये हमें सेटिस्फाई कीजिए कि आपने क्यों गिरफ्तारी की है। क्योंकि आज भी जो बात हो रही है उसमें कुल मिलाकर के ईडी की तरफ से जो है वो सबूतों के नाम पर चैट्स जो है वो दी जा रही है। उन्होंने कहा भाई ये इस चैट में ये चीज सामने आई है कि फला फला बात फला से बात हुई, फला ने ये कहा कि भाई इतना पैसा दिया जाए, फला ने ये कहा ऐसा दिया जाए। और वो अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से यही कहा है कि भाई ये बार बार उन्हीं तीन चार नामों को दोहरा रहे हैं। एकदम ठोस जिसको हम सबूत कहते हैं उस तरह का कोई ठोस सबूत नहीं है। आपने ये कह दिया कि 45 करोड़ रुपया हवाला के जरिए दिया गया, लेकिन उसका उसका कहीं कुछ जो डिटेलिंग होती है, जो सबूत होता है, उस तरीके की बातें सामने नहीं आ रही। तो मेरे कुल मिलाकर कहना है कि ये जो बहस है वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग चल ही रही है। आप देखिए केजरीवाल ने कुल मिलाकर के जो हम लोग बात कह रहे हैं कि जेल के अंदर रहे, जेल के बाहर रहे, अभी की स्थिति में ये है कि जितनी जितनी देर ये जितने दिन इस तरह की चीजें खींचेंगी ना, वो कुल मिलाकर के एक सिंपैथी फैक्टर उनके लिए क्रिएट होगा। जो बात शैलेश जी कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे कि वो कुल मिलाकर के केजरीवाल के पक्ष में जाएगा, और केजरीवाल के पक्ष में इसलिए जाएगा क्योंकि ये अब एक ट्रेल बनती जा रही है कि आपने पहले हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लिया, आप कल का दिन देखिए ना, कल का दिन आपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी कल दिन में आते, पहले इतनी हिस्टोरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल कांग्रेस की कि वो आते हैं कहते हैं कि हम तो पाई पाई के मोहताज कर दिया गया, हमको हमारे पास चाय पीने तक के पैसे नहीं है, रेल यात्रा तक के पैसे नहीं है, हम कैसे चुनाव लड़ेंगे बताइए। इतनी बड़ी पार्टी है और वो प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसके पास इतना पैसा नहीं है। और आज भी जो है उसी दिन जो है आप केजरीवाल को गिरफ्तार करते हैं, उसी दिन रात में जो है महुआ मोहित्रा के खिलाफ सीबीआई एफआईआर फाइल कर देती है। तो ये इतनी हड़बड़ी क्या है, इतनी भी क्या हड़बड़ी है कि आपको एक साथ विपक्ष के सारे लोगों को पकड़ के किसी तरीके से उनको कैद कर लेना है, या उनके हाथ पैर में जंजीर डाल देनी, या उनको किसी ना किसी तरीके से रोक देना है, कुछ उनके ऊपर अंकुश लगाना है। इससे कहीं ना कहीं वो बात है वो साफ दिखती है और जनता में ये मैसेज जा रहा है, जनता में जैसा आपने खुद ही कहा था कि ये मैसेज जा रहा है लोगों में कि कहीं ना कहीं लोगों को भी लग रहा है कि यार ये हो क्या रहा है। अल्टीमेटली ठीक है केजरीवाल व्यक्तिगत तौर पर कैसे हैं कैसे नहीं, उनकी नीतियों से बहुत सारी असहमतियां हो सकती हैं, तमाम सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जो आदमी पदासीन है उसको आप किस तरह से गिरफ्तार कर लें, ये कहां का मतलब, ये कैसा इंसाफ है, ये किस तरीके की न्याय प्रक्रिया है। तो ये तो चीजें हैं कुल मिलाकर के। और जैसा कि हम आज की बातचीत में आपने बताया भी, भारत ने बताया कि भाई जो आदमी इस मामले में एक जिसको आपने पकड़ा, जब वो अप्रूवर निकल गया आपका, उसको आपने छोड़ दिया, आप उसने पैसा दे दिया तो अप्रूवर हो गया और उसके बाद वो छूट गया, उसी मामले में तो केजरीवाल जी गिरफ्तार हैं। जो शरद चंद्र रेड्डी की बात की जा रही है तो वही मामला है। तो कुल मिला करके ये क्या है कि जो आपको किसी तरीके से लाभ पहुंचा दे, या आपके कहने में आ जाए, या आपके दबाव को स्वीकार कर ले, वो तो ठीक है, तो आप उसको छोड़ देंगे, आप उसको गवाह बना लेंगे, उसको किसी को या कोई रास्ता दे देंगे। लेकिन जो आप क्या कोर्ट को नहीं दिखती है क्या ये इन खबरों पर? यही प्रश्न है जो बात शैलेश जी ने अपनी शुरुआती वक्तव्य में कही थी, बेसिक बात यही है कि जो चीजें हायर कोर्ट देखते हैं, जो चीज सुप्रीम कोर्ट पकड़ लेता है, वो लोअर कोर्ट जुडिशरी क्यों नहीं पकड़ पाती। इसी वजह से तो होता है ना कि कोई अगर भाई साईं बाबा का केस देखिए 10 साल तक चलता रहा, 10 साल वो बेचारे जो कि एक ऐसा आदमी जो कि मतलब ठीक से उनको तमाम तरह की बीमारियां हैं, विकलांग है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद 10 साल वो मतलब उनको आपने शिक्षकों के पीछे रखा, उनकी जिंदगी के 10 साल कौन देगा लौटा करके। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी न्याय प्रक्रिया की खामियां हैं और उसको देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इन चीजों की तरफ देख रहा है, लेकिन सवाल वही है कि निचली जुडिशरी में जब सारे मामले जाते हैं तो जजेस क्या इन चीजों को देखते हैं। अभी अभिषेक मनु सिंघवी बार बार कोर्ट से कह रहे हैं कि भाई आप बताइए कि इस गिरफ्तारी की जरूरत क्यों है इस मामले में, इसमें सेटिस्फाई इसमें हमको सबूतों के साथ में लॉजिक के साथ में सेटिस्फाई कीजिए कि आपको केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों चाहिए। आपको अगर कोई पूछताछ करनी है, सारा सब कुछ करना है तो अवेलेबल है। अब उसमें वो ईडी के वकील कह रहे हैं कि साहब वो तो जो है सम्मन पर जो है क्या कहते हैं उन्होंने तो हमने इनको इतने सम्मन भेजे, वो सम्मन में आ ही नहीं रहे, सब कुछ है। आप कुल मिलाकर के आप उनको वकील कह रहा है कि भाई आपको उनसे जो कुछ पूछना है आप उनसे पूछ सकते हैं, उसके लिए आपको अंदर जेल के अंदर करने की क्या जरूरत है? क्या ऐसा क्या कुछ हो जाएगा कि भाई जेल के अंदर जब रहेंगे तो आप उनके लिए आपसे वो बातचीत कर सकेंगे या आपको दे सकेंगे? तो ये चीजें जो है कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं जब चीजें दुनिया में मतलब मीडिया के जरिए बाहर आएंगी तो लोगों को ये निश्चित तौर पर समझ में आ जाएगा, आ रहा है लोगों को कि हाँ ये जो सब कुछ चल रहा है कहीं ना कहीं वो जो हम जिसको लोकतंत्र कहते हैं, जिसमें असहमति की बात हम कहते हैं, जिसमें सबके लिए एक समानता के अधिकार की बात कहते हैं, सारी बातें हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर किसी न किसी तरीके से प्रहार हो रहा है और एक बड़े सुनियोजित तरीके से प्रहार हो रहा है और वो खुद सरकार करा रही है, सत्ता समूह करा रहा है। तो वो पूरा का पूरा मामला जो है वो अगर चुनाव में इन चीजों का रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं होता है, जैसा मैंने पहले भी कहा,
फिर अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल करके प्रचार करते हैं, ढंग से प्रचार करते हैं, एक संगठित तरीके से काम करते हैं, तो ये बीजेपी के लिए दिल्ली में मुश्किल होगा निश्चित तौर पर। 7 सीटें जो पिछली बार थी, वैसे भी इस बार कहा जा रहा था कि मुश्किल है, जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस हो गया तो ये पहले भी माना जा रहा था, अगर ये केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं भी होती तब भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि कम से कम 2 सीटों पर तो फर्क पड़ेगा ही, दिल्ली में कम से कम 2 सीटों पर फर्क पड़ेगा, जहां की बीजेपी के लिए मुश्किल आ सकती थी इस बार। और ये जो गिरफ्तारी वाली बात हो गई है, उसके बाद जो एक माहौल बनेगा, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है, मेरा सिर्फ इतना कहना।